महाराज जी के आज के विशेषांग में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक छात्रा थी, पढ़ाई लिखाई में औसत किंतु फोटोग्राफी का भी शौक था। वह बाबा जी के आश्रम गई। उसकी इच्छा दर्शन के साथ साथ बाबा की फोटो खींचने की भी थी, लेकिन बाबा कमरे में थे और दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद एक भक्त ने सलाह दी, तुम दरवाजे के पास मडराती रहो, थोड़ी देर बाद बाबा दरवाज़ा खोल देंगे। छात्रा ऐसा ही करती रही। वह दरवाजे के आसपास चक्कर काटती रही। अंततः बाबा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसके साथ बोले भी तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगी। छात्रा ने हठपूर्वक कहा, अरे तू तो बड़ी जिद्दी लड़की है, तू चाहती क्या है? बाबा गुस्साए, मैं आपका चित्र खींचना चाहती हूँ, छात्रा ने कहा। अच्छा ठीक है, खींच ले। महाराज जी तैयार हो गए। इसके लिए आपको बाहर आना होगा, कमरे में बहुत अंधेरा है, छात्रा ने कहा। फिकर मत कर, तस्वीर आ जाएगी, बाबा बोले। लेकिन छात्रा अपनी बात पर अड़ी रही। वह बाबा से कमरे से बाहर प्रकाश में आने का आग्रह करती रही। तू तो बड़ी जिद्दी लड़की है, तू नहीं मानेगी। तू डॉक्टर बनना चाहती है क्या? बाबा ने कहा। मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं मध्यम श्रेणी की छात्रा हूँ, छात्रा बोली। इसके बाद महाराज जी ने छात्रा के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और उसने विशिष्ट श्रेणी में अंक प्राप्त किए। यह डॉक्टर श्रीमती पी के नाम से मशहूर हुई। उनके कैमरे से निकाला गया बाबा जी का चित्र उसके पास आज भी सुरक्षित रखा है। नीप करोरी गांव की जिस गुफा में महाराज जी साधना करते थे, उससे थोड़ी दूर पर ही एक कुआ था। बाबा अपने भक्तों के साथ बैठे थे, तभी एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने के लिए आई। जब वह पानी भरकर लौटने लगी तो महाराज जी हंसने लगे। क्योंकि बाबा एक स्त्री को देखकर हंस रहे थे, इसलिए उनकी हंसी कुछ लोगों को नागवार भी लगी। जब वह स्त्री पानी लेकर चली गई तो एक भक्त ने साहस कर महाराज जी से पूछा, बाबा जी आप उस स्त्री को देखकर हंस क्यों रहे थे? वह स्त्री जब पानी लेकर घर पहुंचेगी और उसका पति पानी पीने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसे सांप काट लेगा और उसकी वही मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम लोग जाकर उसे पानी पीने से रोक लो तो उसकी जान बच सकती है, महाराज जी ने उत्तर दिया। बाबा के मुंह से इतनी बात सुनी थी कि लोग उस स्त्री के घर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उसके घर पहुंचे कि उस स्त्री का पति पानी पीने के लिए आगे बढ़ रहा था, लोग चिल्लाए, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। पति आश्चर्यचकित होकर वहीं रुक गया। लोगों ने खड़ा हटाया तो उसके नीचे एक विषैला काला नाग बैठा हुआ था। यदि महाराज जी के शिष्यगण दौड़कर उस स्त्री के घर ना पहुंचते और उसके पति को पानी पीने के घड़े के पास आने से न रोकते तो उसे सांप काट लेता और वह मर जाता। लेकिन अंतर्यामी महाराज जी ने उसकी संभावित मृत्यु को टाल दिया। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।